कारून का खजाना अथाह संपत्ति। उम्र के 75वें पड़ाव पर पहुंच रहे 9 साल पहले एक प्रबंधन विद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर शंकर लाल ने जब कहा, मुझे तो एक कारून का खजाना ही मिल गया है। अविरल संगीत सीखने का तरीका जो मुझे जीवन पर्यंत आनंद देने के लिए बहुत है, तो उनके मित्र को भी उतना ही आश्चर्य हुआ जितना डॉक्टर शंकर लाल को हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 5 साल तक डॉक्टर शंकर लाल स्वास्थ्य के एक बुरे दौर से गुजरे थे। कमजोर, लाचार, घर बिस्तर तक सीमित हो जाने की हालत में उन्होंने अपना ध्यान बीमारियों और दर्द से हटाने के लिए 45 वर्षों के प्रबंधन विषय से संबंधित अपने शुद्ध भारतीय अनुभवों को लिखना शुरू किया। यद्यपि वह प्रकाशन के लिए नहीं लिख रहे थे, पर जब एक दर्जन पुस्तकें लिख गई, तब वे इन अनुभवों को प्रबंधन के छात्रों, शिक्षकों और कार्यरत प्रबंधकों तक कम दामों पर पहुंचाने का उपाय ढूंढने लगे। पहले उन्होंने कुछ नामचीन अकादमिक प्रकाशकों से बात की, पर उन्हें एहसास हुआ कि उन प्रकाशकों की रुचि छोटी, सारगर्भित, सरल भाषा में लिखी, आसानी से समझ में आने वाली पुस्तकों जैसी डॉक्टर शंकर लाल ने लिखी थी के बजाय ठोस, मोटी और वजनी किताबों में अधिक थी, जिनका मूल्य भी अधिक हो। डॉक्टर शंकर लाल दूसरे तरीके सोचने लगे। डॉक्टर शंकर लाल ने फिर प्रतिष्ठित ऑनलाइन प्रकाशकों की ओर देखा, किंतु उन्हें उनकी रुचि काल्पनिक कथाओं और आत्मकथाओं में अधिक दिखी, ना कि डॉक्टर शंकर लाल की जैसी पुस्तकों में। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने स्वयं प्रकाशन का रास्ता खोल दिया था। डॉक्टर शंकर लाल को यह रास्ता पसंद आया, पर यहाँ भी उन्हें तब झटका लगा जब उनके मुद्रक द्वारा कुरियर सर्विस से भेजी पुस्तकें अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंची, कुछ तो पहुंची ही नहीं, और उन्हें जाली हस्ताक्षर से पहुंचा दिखा दिया गया। ऐसे 3 अनुभवों से जब वो उन किताबों को वापस भी न ला पा सके, तो डॉक्टर शंकर लाल व्यथित हो गए और उन पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्होंने फिर ई बुक्स के द्वार अपना अनुभव बांटने की कोशिश की, उसमें उनको सफलता भी मिलनी शुरू हुई। ई बुक्स के प्रिंटेड पुस्तकों के मुकाबले कुछ अन्य फायदे भी थे, जैसे खरीदने में आसानी, लागत में जबरदस्त कमी, समय पर वितरण, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वितरण, पढ़ने में सुविधा, दुनिया भर में कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह, क्लासरूम से लेकर बेडरूम तक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान, और उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार तुरंत पुस्तक बना ना इत्यादि। डॉक्टर शंकर लाल ने उन्हें प्रिंटेड बुक में उपभोक्ता द्वारा स्वयं बदलने का सरल तरीका भी ढूंढ निकाला, किंतु स्थानीय वेबसाइट विक्रेताओं के व्यवहार और आदतों ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया। जब अत्यंत आवश्यकता हो तब बिना बताए वेबसाइट का डाउन हो जाना और फिर वेबसाइट प्रोवाइडर का फोन न उठाना, ठीक न करना और तो और डाटा डिलीट हो जाना बहुत कष्टदायक होता जा रहा था। सारा पेमेंट करने पर भी पुस्तकों को पाठक तक न पहुंचा पाना उनके पूरे उद्देश्य और मेहनत को ही विफल कर रहा था। बिना किसी सहायक कार्यालय या बाहरी वित्तीय सहायता के अपने सीमित पेंशन और ज्ञान से यह कार्य करना दुश्वार और निराशा का कारण बन चला था। इन सब से उबकर और अपनी बेबसी और कुंठा से बाहर आने के लिए उन्होंने यह सब छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और चारधाम, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरा करने का निश्चय किया और 3 माह में जुलाई अक्टूबर 2019 में तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड स्थित 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा कर डाली। यह उनके और पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके लिए किसी अचंभे से कम न था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनके लिए सड़क मार्ग से 1 घंटे की यात्रा करना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अभी तो और अचंभे बाकी थे। इन यात्राओं के दौरान उन्हें यह सवाल बार बार घेर रहा था, क्या उन्हें वह सब बंद कर देना चाहिए जिसकी वह कोशिश कर रहे थे, और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। 3 महीनों की तीर्थ यात्रा की प्रक्रिया में एक असामान्य घटना हुई। डॉक्टर शंकर लाल और उनकी पत्नी को प्रसिद्ध स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर के 90वें जन्मदिन पर उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि वे अस्वस्थ थी और किसी बाहरी व्यक्ति से मिल नहीं पा रही थी, डॉक्टर शंकर लाल की जेठतम बहन, जिनका 6 माह पहले ही निधन हुआ था, को लता मंगेशकर के गाने बहुत पसंद थे और अपनी युवावस्था में वे उनको अक्सर गुनगुनाया करती थी।
बीमार अवस्था में उन्होंने डॉक्टर शंकर लाल से भी गाने सुनाने का कई बार आग्रह किया था, लेकिन गला साथ न देने की वजह से वे उनका आग्रह पूरा न कर पाए थे। लेकिन जब उन्होंने लता ताई के चरण स्पर्श किए तो उन्हें कुछ आभास हुआ और उन्होंने संग तस सीखने का निश्चय किया। क्या हुआ अगर वे गा नहीं सकते? उंगलियां तो हैं जिनसे वे कोई वाद्य बजाने की कोशिश तो कर सकते हैं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कड़ी उंगलियों और क्षीण स्मरण शक्ति वाले एक बूढ़े व्यक्ति को बिना सहायता के पूरे गाने की धुनें कैसे याद रह सकती हैं और वह उन्हें बजा भी सकता है। कैसे कैसे कैसे? उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इससे भी रोचक एक तथ्य और था, वाद्य बजाना सीखने के साथ साथ वह वेबसाइट बनाना, उसे होस्टिंग करना और चलाना भी सीखते जा रहे थे, एक विषय जिससे उनका संपर्क लगभग एक दशक पहले छूट चुका था, ताकि वह उस साहित्य का प्रसार कर सके जो उन्होंने विकसित किया था और करते जा रहे थे। अति उत्साह में वह इन सब में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपना एक होम वेब सवा बनाने की भी सोच बैठे और वह बन भी गया। साथ ही वह अपने साहित्य के ऑडियोज और वीडियोस भी बनाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप कई अभिनव प्रयोग भी हुए, जैसे अपने विषय सामरिक प्रबंधन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आत्मसात करने में मदद के लिए संगीत से सामरिक प्रबंधन सीखें जैसे वीडियो। अब उन्होंने गूगल पर मस्तिष्क संरचना पर खोज करना आरंभ किया, यह समझने के लिए 74 साल का वृद्ध आखिर कैसे इन विभिन्न चीजों को अपने सीमित साधनों से सीख रहा था। और उन्हें पता चला कि ऐसा सब मस्तिष्क में न्यूरॉन डेंड्रिटिस एक्सॉन्स और सिनेप्स के द्वारा होता है। वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि सामान्य व्यक्ति में लगभग 1000 खरब सिनेप्स बनाने की क्षमता होती है। इससे भी अधिक रोचक बात यह पता चली कि मनुष्य जीवन पर्यंत इसके 30% के आसपास ही उपयोग में लाता है और नए स्मृति सिनेप्स बनाने की यह क्षमता मनुष्य की जीवक आयु के साथ घटती नहीं है। क्या इसका मतलब यह निकलता है कि वह अभी भी नई चीजें सीख सकते हैं? पुरानी सीखी गई चीजों से बिल्कुल अलग हटकर अब जब वह अपने जीवन के हीरक जयंती पूरी करने वाले हैं, तब भी उनकी सीखने की आधी क्षमता अभी भी बची हुई है। वैज्ञानिक और चिकित्सीय कारणों को दरकिनार कर वह एक छोटे बच्चे की तरह खुश थे, जैसे उन्हें मृत्यु पर्यंत खुशी से रहने को कारून का खजाना मिल गया हो।